द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। दोस्तों, ये बुक अब तक के लिखी सबसे बेहतरीन स्टॉक मार्केट की बुक रही है और खुद वॉरेन बफेट भी इस बुक को पढ़ने की रिकमेंडेशन देते हैं। तो ऐसा क्या खास बात है इस बुक में? तो आज हम इसी बुक की छोटी सी समरी करेंगे जिसमें आप कम समय में इस बुक को आसानी से समझ सको। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। इस बुक का पहला चैप्टर है इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। इसमें ऑथर हमें इन्वेस्टमेंट और सट्टेबाजी के बीच के अंतर को समझाते हैं। सबसे पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स और गैम्बलर्स को समझना होगा कि कौन सच में इन्वेस्टर है और कौन सिर्फ अपना किस्मत आजमाने आया है। पहला है पर्पस। स्टॉक मार्केट में एक इन्वेस्टर हमेशा एक रेगुलर इनकम जनरेट करने आता है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अपने प्रॉफिट्स को होल्ड करता है, और वही एक गैम्बलर सिर्फ स्टॉक के प्राइस मूवमेंट को देखकर पैसा कमाने का सोचता है। दूसरा है रिस्क। एक इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में हमेशा अपने रिस्क को कम रखने की कोशिश करता है और गैम्बलर हाई रिस्क पर खेलता है। और वॉरेन बफेट भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए दो रूल्स बनाए हैं। पहला, नेवर लूज योर मनी, और दूसरा, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। अगर आपको स्टॉक मार्केट में लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो सबसे पहले आपको अपना कैपिटल बचाने के बारे में सोचना चाहिए। तीसरा है लिक्विडिटी। एक इन्वेस्टर हमेशा उन स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करता है जिसमें हाई लिक्विडिटी हो, ना कि ऐसे स्टॉक जिसमें कोई लिक्विडिटी ही ना हो। लिक्विडिटी का मतलब उस स्टॉक में लोग अच्छी खासी खरीदारी या बिकवाली कर रहे हों। आपको ऐसे स्टॉक से हमेशा बचकर रहना चाहिए जिसमें आए दिन अपर सर्किट या लोअर सर्किट्स लगते रहते हों, मतलब कि जहां पर या तो सिर्फ बायर्स हों या सिर्फ सेलर्स हो। तो ऐसे स्टॉक से हमेशा आपको दूर रहना है। अब बात करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट पर एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चलता है, मतलब किसी भी स्टॉक की कीमत कितनी होनी चाहिए और आप उसके लिए कितना पे कर रहे हो, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताता है। मतलब कि अगर आपने किसी स्टॉक का फेयर वैल्यू 100 रुपये निकाला है तो कोशिश करें कि आप उसे 90 या 85 रुपये के आसपास ही खरीदें। इससे आपका रिस्क और भी कम हो जाता है। फेयर वैल्यू या इंट्रेंसिक वैल्यू। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक को किसी भी प्राइस पर नहीं खरीदता। वो तभी उसे खरीदेगा जब उसे उस स्टॉक का फेयर प्राइस मिलेगा। स्टॉक का इंट्रेंसिक वैल्यू कंपनी के एसेट्स और फ्यूचर में उसके ग्रोथ के हिसाब से निकाला जाता है। अगर आपको स्टॉक का इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं ये जानना है तो इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। इस बुक में आपको हर जगह वैल्यू इन्वेस्टिंग का ही कॉन्सेप्ट दिखाई देगा क्योंकि ये बुक वैल्यू इन्वेस्टिंग पर ही फोकस किया गया है। नेक्स्ट हम ये जानेंगे कि मार्केट में कितने टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं और इनमें से आप कौन से टाइप के हैं। सबसे पहले आते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर्स। ये बहुत ही कम रिस्क लेते हैं मार्केट में। इनके पोर्टफोलियो में सिर्फ हाई क्वालिटी या लार्ज कैप कंपनीज ही होती हैं। अपने रिस्क को कम करने के लिए ये म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं और इनका गोल कम से कम 20 से 30 सालों के लिए रहता है। दूसरे हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। ये अपने इन्वेस्टमेंट पर रिस्क लेना पसंद करते हैं और ये अपना पैसा मिड टू स्मॉल कैप कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, और ये अपना शेयर अक्सर खरीदते और बेचते रहते हैं जब इनको उस पर्टिकुलर स्टॉक में अच्छा प्रॉफिट दिखाई देता है तो। तीसरे होते हैं हाइब्रिड इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स दोनों टाइप के होते हैं, डिफेंसिव भी और इंटरप्राइजिंग भी। अब बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन की। क्या आपको अपने पैसों को कहां और कैसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए? फॉर एग्जांपल, आप महीने का 30,000 रुपये कमा रहे हैं और आप उसमें से हर महीने 5,000 रुपये सेव करते हैं, तो 5,000 रुपये में से 50% आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, 30% म्यूचुअल फंड में, 10% आप कैश रखिए और 10% आप अदर एसेट्स में भी लगा सकते हैं। मतलब हर महीने 2,500 रुपये स्टॉक्स में, 1,500 रुपये म्यूचुअल फंड्स में, 500 रुपये कैश के रूप में रखिए और 500 रुपये अदर एसेट्स के लिए, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर या और भी बहुत सारे एसेट्स जो आपको पसंद हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन सबसे पहले आपका रिस्क कम करता है, दूसरा आपका रिटर्न भी बढ़ाता है, तीसरा आपको एक पोर्टफोलियो मैनेज करने में भी आसानी होती है। और आप जो भी पोर्टफोलियो बनाते हो कोशिश करिए कि उसे लंबे समय तक होल्ड कर पाएं। चैप्टर 2, द इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशन। बेंजामिन ग्राहम ये बोलते हैं कि इन्वेस्टर्स को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वो कोई भी एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हों उसका प्राइस ऊपर या नीचे होना तय है, और इसी उतार चढ़ाव को मार्केट फ्लक्चुएशन कहते हैं। जब बाजार नीचे हो या थोड़ा करेक्शन किया हो तब इन्वेस्टर्स को ज़्यादा क्वांटिटी बाय करना चाहिए। ये फ्लक्चुएशन कई टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे इकोनॉमी न्यूज़, पॉलिटिकल इवेंट्स और इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स। बेंजामिन ग्राहम ने मार्केट में इन्वेस्टिंग के 3 स्ट्रेटजीज बताए हैं जो हर नए इन्वेस्टर्स को जरूर सुनना चाहिए। पहला है वैल्यू इन्वेस्टिंग। इस स्ट्रेटजी में
आप ऐसे स्टॉक्स को खरीदते हो जो अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा हो। इसमें इन्वेस्टर ये कैलकुलेट करता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक या कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो अभी सस्ता चल रहा है और यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट जरूर आएगी। इसमें इन्वेस्टर कंपनी का फंडामेंटल्स चेक करता है, जैसे प्रॉफिट ग्रोथ, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पीई रेशियो, पीबी रेशियो, इनकम स्टेटमेंट और भी बहुत सारे। इन सभी को देखकर एक इन्वेस्टर ये पता लगा पाता है कि स्टॉक सस्ता है या महंगा। लेकिन आजकल के मार्केट में किसी स्टॉक के फेयर वैल्यू में आने का इंतजार करना थोड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि सारे स्टॉक्स लगातार ऊपर ही चढ़ते जा रहे हैं। दूसरा स्ट्रेटेजी है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। इसे आप आसान भाषा में SIP कहते हो। इस स्ट्रेटेजी में आप बिना चिंता किए हर महीने उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो जो आपने एनालिसिस किया है। आपको इंट्रेंसिक वैल्यू देखने की जरूरत नहीं, ना ही कुछ और देखने की। बस आपको ऐसा स्टॉक पिक करना है जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो। इसका फायदा ये है कि जब कभी मार्केट नीचे आई हो तब आप ऑटोमेटिकली ज्यादा शेयर्स बाय कर लेते हो, जिससे आपको एक एवरेज रिटर्न देखने को मिल जाता है। तीसरा स्ट्रेटेजी है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। इस स्ट्रेटेजी में आप मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट में पैसा लगाते हो, मतलब जब दूसरे बेच रहे होते हैं तब आप खरीदते हो और जब दूसरे खरीद रहे होते हैं तब आप बेचते हो। लेकिन ये स्ट्रेटेजी सबसे रिस्की होता है, पर इसमें आपका रिटर्न भी सबसे अच्छा बनता है। चैप्टर 3 स्टेटमेंट यू नीड टू नो। हम सभी ये चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए जिसमें हमें कभी लॉस ना हो, जिसमें हमें कोई चिंता ना करना पड़े और उस स्टॉक से हम अमीर हो जाएं। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ऐसे स्टॉक को फाइंड करने के लिए आपको 3 स्टेटमेंट जरूर देखने चाहिए, जिसमें से पहला है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में आपको कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में जानकारी मिलती है। रेवेन्यू उस पैसे को कहते हैं जो कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचकर कमाती है, और एक्सपेंसेस उस खर्च को दिखाता है जो कंपनी को अपना बिजनेस चलाने में लगता है। और जब कंपनी के रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस निकाल दिया जाए उसके बाद जो बचता है उसे नेट इनकम कहते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट है बैलेंस शीट रिपोर्ट। बैलेंस शीट रिपोर्ट में आपको कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज की जानकारी मिलती है। एसेट्स यानी कि कंपनी के पास कोई प्रॉपर्टी या ऐसे सामान हो जिससे उन्हें पैसा मिल रहा हो, या फिर कैश, ये सभी चीज़ें एसेट्स में शो किए जाते हैं। और लायबिलिटीज एक तरह का कर्ज होता है जो कंपनी को पे करना होता है, जैसे कोई लोन वगैरह कंपनी ने लिया है तो वो सब लायबिलिटीज में शो होगा, और कोई भी कंपनी में उसके एसेट्स उसके लायबिलिटीज से ज़्यादा ही होने चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कंपनी के कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को दिखाता है। कैश इनफ्लो कंपनी का वो पैसा रहता है जो कंपनी को सेल्स या अदर इन्वेस्टमेंट से आता है, और आउटफ्लो कंपनी के खर्च को दिखाता है। इन तीनों स्टेटमेंट की डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये बुक आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में जानकारी देती है। हालांकि ये बुक थोड़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन इसके मेथड्स आज भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपनाते हैं। और वॉरेन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम, जो कि इस बुक के ऑथर भी हैं, इन्हें ही वैल्यू इन्वेस्टर का फादर कहा जाता है। और वॉरेन बफेट खुद ये बोलते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी है जो कभी आउटडेटेड नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।